नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाएले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है त इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। राजनेता बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के सुरक्षा में भी बहुत बढ़ोतरी भइल बा। हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी के गोली मार के हत्या का दिहल गइल रहे। उनका पर भइल हमला के जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ले रहे। अब सलमान से जुड़ल एगो बड़ खबर आ रहल बा। मुंबई पुलिस सलमान के हत्या के साजिश रचे वाला एगो आरोपी के गिरफ्तार कर ले बिया। बुध का दिने एगो पुलिस अधिकारी बतवले कि आरोपी के हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर लिहल गईल बा आ ओकर नाम सुखा है। उ बिश्नोई गिरोह के तेज शूटर हवे अवुरी उनुका के नवी मुंबई ले आवल गईल बा। गुरुवार के उनुका के कोर्ट में पेश कईल जाई। सुखा लॉरेंस अवुरी गोल्डी ब्रार के इशारा पर साल 2022 में मुंबई में सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस के रेकी कईले रहली। रेकी के बाद सुखा के सलमान पर हमला करे के रहे, लेकिन योजना नाकाम हो गईल। बिश्नोई के शूटर साल 2022 में सलमान के मारे खातिर कई बेर फार्म हाउस के रेकी कईले रहले, लेकिन हमला के योजना असफल हो गई। बिहार के सिवान अवुरी चपरा में जहरीला शराब पी के मौत के मामला सोजा आयल बा। SP 20 लोग के मौत के पुष्टि कईले बिया। सिविल सर्जन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहल गईल बा कि अभी तक जहरीला शराब पिए के चलते 20 लोग के मौत हो चुकल बा। मरे वाला लोग में छपरा के 8 लोग शामिल बाड़े। शराब पिए के चलते उनुकर स्वास्थ्य बिगड़ला के बाद लोग के अस्पताल पहुंचावल गईल, जहां उनुकर मौत हो गईल। गांव के लोग के आरोप बा कि मंगलवार के रात पीड़ित लोग जहरीला शराब के सेवन कईले रहले, जवना के बाद उ लोग बीमार पड़ गईले। अधिकारी मरे वाला लोग अवुरी इलाज करावे वाला के पहचान नई खन बतवले। एही बीच घटना के बाद जिला प्रशासन मगहर अवुरी औरिया पंचायत के 2 चौकीदार के निलंबित कर देले बिया। DM कहले कि स्थानीय थाना के अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कईल जाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करे जा रहल बाड़े, जवना के चलते राजनीतिक उथल पुथल मचल बा। भाजपा एकरा से दूरी बना ले बिया, लेकिन कहले बिया कि पार्टी के लोग व्यक्तिगत रूप से एकरा में शामिल हो सकता रे। जदयू ए यात्रा के विरोध करत एकरा के सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़े वाला बतवले बिया। विपक्षी दल कांग्रेस अवुरी राजद भी ए यात्रा के आलोचना करत एकरा के भाजपा के चाल बतवले बाड़े। दरअसल गिरिराज सिंह के इस सफर 18 अक्टूबर के भागलपुर से शुरू हुई अवुरी बिहार के बहुत मुस्लिम बहुल इलाका से गुजरी। यह इलाका में कटिहार, पूर्णिया, अररिया आ किशनगंज शामिल बा। गिरिराज सिंह यह सफर के हिंदू के अस्तित्व के रक्षा खातिर जरूरी बतावत बाड़न। उनुकर कहनाम बा कि ई सफर धर्म, पैसा, अवुरी धरती के बचावे के अभियान है। तेजस्वी यादव के निशाना बनावत उ कहले कि यदि तेजस्वी यादव मुसलमान के एकजुट करे खाती यात्रा कर सकता रे, त उनुका हिंदू स्वाभिमान यात्रा से समस्या काहे बा। एकरा संगे संगे भाजपा ए यात्रा से अपना के दूर कर ले बिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहले बाड़न कि ई यात्रा गिरिराज सिंह के निजी पहल ह, आ भाजपा एकर हिस्सा नहीं खे। विस्तारा के फ्रैंकफर्ट मुंबई उड़ान में बम के धमकी मिलल, जवना के बाद उड़ान मुंबई में आपातकालीन लैंडिंग का देलस। उड़ान में 147 यात्री रहले। विस्तारा एयरलाइंस एगो बयान जारी कर कहलस कि 16 अक्टूबर 2024 के उनुका फ्लाइट नंबर UK 028 पर लगावल बम के जानकारी मिलल रहे। ई उड़ान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से मुंबई खातिर चले ले। उड़ान में बम के धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दिहल गईल। प्रोटोकॉल के मुताबिक एकरा बारे में तुरंत सब संबंधित अधिकारी के जानकारी दिहल गईल। विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सुरक्षित उतरल। एकरा बाद विमान के आइसोलेशन एरिया में ले जाइल गईल, जहां से सब यात्री के सुरक्षित उतार दिहल गईल। चेन्नई में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गईल बा। बरसात के पानी लोग के घर में घुस गईल बा।
अइसना में मौसम विभाग 18 अक्टूबर तक राज्य में भारी बरखा के अलर्ट जारी कर देले बा। तमिलनाडु में भईल भारी बरखा के चलते यहाँ के लोग के परेशानी के सामना करे के पड़ता। यहाँ के आवासीय क्षेत्र में पानी के भंडारण के चलते लोग के जीवन बाधित हो गईल बा। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग का तरफ से भारी बरखा के अलर्ट जारी किए गईल बा। राज्य में बरखा के गंभीर स्थिति के देखत यहाँ के स्कूल कॉलेज अवरी कार्यालय बंद करे के फैसला भईल। मौसम विभाग 18 अक्टूबर तक भारी बरखा के चेतावनी भी देले बा। विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अवरी कर्नाटक में भारी बरखा के संभावना बा। एह भयंकर मौसम के स्थिति के देखत राज्य में बाढ़ से राहत देवे के कड़ा इंतजाम कईल गईल बा। एकरा खातिर NDRF अवरी SDRF के टीम के तैनात कईल गईल बा। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई। काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। एह गर्मी में आपन बढ़िया से देखभाल करी।